हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार, आप सभी का बीपीएससी विद्यापीठ में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को एक शुभकामना, क्योंकि आप सभी एक ऐसे काल में हैं जब अपने बिहार में सरकारी नौकरी की बहार है और लगातार रिक्तियां आ रही हैं विभिन्न विभागों में। इसीलिए आप लकी हैं, इसलिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित रूप से बिहार में सफलता मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि प्रयास का तरीका वैज्ञानिक हो। जैसा कि आप अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं टीचर के या किसी भी चीज़ के एग्जाम्स हुए हैं, या जो सिपाही के जो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, आप उसके स्तर को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पुरानी पद्धति की जो पढ़ाई है, रट्टा मार पद्धति की पढ़ाई, उसके दिन लद गए। अब उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप वैज्ञानिक ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो सहजता से लाभ मिल जाएगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम उपस्थित हुए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अवसर को लेकर के, और जैसा कि आपको मालूम है कभी बिहार में द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आरंभ ही होने वाली है, और कुछ ही समय पूर्व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक जी और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान अतुल प्रसाद जी दोनों ने मिल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें इस बात की आधिकारिक सूचना दी गई कि शिक्षा विभाग द्वारा यथाशीघ्र द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित रिक्तियां वैकेंसी बीपीएससी को भेज दिया जाए, ताकि बीपीएससी इससे संबंधित प्रक्रिया को जल्दी आरंभ करे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपना बिहार अन्य मामलों में, कुछ मामलों में आगे जरूर है, लेकिन शिक्षा के मामले में काफ़ी इसकी बदनामी होती है। एक तो कुछ कमजोर है भी, और दूसरा जो कुछ मीडिया वाले लोग हैं वो इसको इस कदर हाईलाइट करते हैं अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कि और इसकी बदनामी हो जाती है। तो कुछ बदनाम, कुछ वास्तव में हम कमज़ोर हैं, और कुछ लोग अपने लाभ के लिए हमको और कमज़ोर दिखाते हैं। हालांकि ये प्रवृत्ति गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कमज़ोर हैं ये माना जा सकता है। इसीलिए सरकार प्रतिबद्ध है और उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन सरकार द्वारा आरंभ किया जा चुका है, और इसी क्रम में द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती है 2023 में, इसकी प्रक्रिया लगभग आरंभ हो चुकी है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें कक्षा 6 से 8, वर्ग 6 से 8 तक के लिए लगभग 52,000, माय गुडनेस, 52,000 वैकेंसी होंगे, जो हमारे लिए बड़े लक का विषय होगा, बहुत बड़ा अवसर होगा हमारे लिए। जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। लंबे इंतजार के बाद आपके समक्ष ये बड़े बड़े अवसर आए हैं, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 52,000 रिक्तियाँ वैकेंसी होंगी। इसके बाद कक्षा 9 से 12 तक के लिए वैकेंसी की संख्या कितनी होगी ये तो नहीं कही गई है अभी आयोग द्वारा, लेकिन इसमें ये बात जरूर कही गई है कि इससे पहले जो अभी 9 to 12 का एग्जाम हुआ है उसमें कितने पद खाली रह जाते हैं उसको लेकर के, और फिर नई रिक्तियों को जोड़ करके रिक्तियों की संख्या दी जाएगी। तो अनुमान लगा सकते हैं कि 9 to 12 में भी अच्छी खासी रिक्तियाँ होंगी। अपने बिहार में द्वितीय चरण में भी, प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हुई, और इसका रिजल्ट 1 महीना बाद आ ही जाना है। और अभी सरकार त्वरित कार्यवाही में है, तो अभ्यर्थियों को भी त्वरित, एप्लीकेंट को भी त्वरित कार्यवाही में, त्वरित तैयारी में लग जाना चाहिए हर चीज को समझते हुए। तो मेनली 2 प्रकार के शिक्षकों की बहाली होगी, 6 to 8, क्योंकि प्रथम चरण में 6 to 8 नहीं था, द्वितीय चरण में 6 to 9 to 12 था, लेकिन उसमें बहुत सारी रिक्तियां और हैं और इसमें खाली रहने की भी संभावना है। हाँ, 1 to 5 का
1-5 की वैकेंसी नहीं आएगी, इसीलिए कि प्रथम चरण में 1-5 की वैकेंसी को शामिल किया गया। तो द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती में 6-9-12 एंड 6-8 के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए, 1-5 के लिए इसमें रिक्त नहीं होगी। इसके बाद जैसा कि सूचना मिली है और जैसा कि कॉन्फ्रेंस में बताया गया आयोग के अध्यक्ष द्वारा कि 15 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होने की संभावना है, संभावित है, तो पहली संभावना है कि 15 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है, तो नजदीकी हैं हम। इसके बाद नवंबर के अंत तक परीक्षा होगी, तो आप मान के चलें कि परीक्षा के लिए आपके पास अधिकतम 2 महीने का समय है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है, 2.5 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। मैंने पिछली बार भी अपने बैच में बच्चों को पढ़ाया था, पता कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और स्तरीय पढ़ाई करने के लिए आप मेरे बच्चे काफ़ी प्रसन्न रहे, अच्छा खासा इनका रिजल्ट भी होने की संभावना है, क्योंकि मैंने हमेशा वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को NCERT और SCERT से ही पढ़ाया, तो बच्चे काफ़ी प्रसन्न रहे। आप हमारा टेस्ट पेपर भी देख सकते हैं जो हमने YouTube पे डाल दिया है, और आप मेरा स्टडी मेटर भी देख सकते हैं जो बच्चों को मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है। तो ज़रूरत है कि आप सजग हो जाए अभी से और तैयारी अभी से शुरू कर दें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपने जब आएगी तब, और मेरा भी जो बैच है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर के लास्ट तक होगा। वैसे मेरा मानना है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही एग्जाम होगा, लेकिन आयोग ने अभी तक संभावना व्यक्त किया है कि 15 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर के लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, आप बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते, लेकिन सावधान रहें। पिछले बार जो गलती आपने की है और जो उल जरूर ढंग से जो मटेरियल को कलेक्ट करके पढ़ा है उसको त्याग दें, क्योंकि इससे ये होगा कि इधर उधर के मटेरियल को पढ़ने के बजाय अगर आप ओरिजिनल किताब पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे, सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, एक्सपर्ट के संपर्क में रहें एट ए होल। तो नवंबर तक एग्जाम होगा और दिसंबर तक रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और कर ही दी जाएगी अगर आयोग के अध्यक्ष ने ऐसा कहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इसमें केवल आयोग के ही अध्यक्ष नहीं थे, शिक्षा सचिव भी थे श्रीमान के पाठक, और दोनों आप जानते हैं कभी बिहार के कद्दावर सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी हैं, और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में दोनों का महती योगदान, ये तो मान ही सकते हैं। जो बिहार अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम है, आज इन दोनों पदाधिकारियों ने मिल करके ये बहुत बड़ी समझिए कि एक बिहार के लिए सौभाग्य है कि ऐसे पदाधिकारियों के हाथ में प्रशासन मिला हुआ है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दिया है तो ये मान के चले कि अपॉइंटमेंट होना ही होना है अपने ड्यू टाइम पर। तो 15 अक्टूबर से आवेदन होगा, 9 नवंबर के लास्ट तक एग्जाम होगा और दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाने की संभावना होगी। इसके बाद जो अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, जिसको हम लोग व्यवहार में योग्यता कहते हैं, है रखा गया है, वो 6-8 के लिए जरूरी है, सेंट्रल टेट या टेट और BEd या इसके इक्विवेलेंट समकक्ष होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक के लिए रखा गया है ग्रेजुएट स्नातक स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट एंड BEd ये होना चाहिए, ये आपको क्वालिफिकेशन में रखा गया है। और उच्च माध्यमिक हायर लेवल के लिए हायर सेकेंडरी के लिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट PG जिसको कहते हैं हम लोग, और स्टेट वाला अपना जो टेट का वैकेंसी होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट MPA। तो इतनी सारी अर्हताएँ रखी गई हैं और इतनी सारी अर्हताएँ रखने वाले व्यक्ति अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। और जरूरी है आप एकदम तन्मयता के साथ लग जाए, और इसके लिए जो रणनीति होगी जो पहला फेज में आपने देख लिया है बहुत सहज है कि बिहार टेक्स्ट बुक एंड NCERT के 9 एंड 10 का SST एंड साइंस को पढ़ जाए
और 11 और 12 का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वाले जो प्लस टू के लिए सब्जेक्ट का होता है, 11-12 पे जो सब्जेक्ट कर ले तो उसको बढ़िया से पढ़ ले। वैसे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लेकिन फिलहाल NCERT और SCERT से प्लस टू लेवल तक के चीज़ को अगर बढ़िया से पढ़ के समझ लिया जाए तो मेरा मानना है, या जैसे मैंने प्रश्न कैस्टर को देखा है, आपके पर्पज सॉल्व हो ही जाएंगे। तो जरूरत केवल इस बात की है कि आप सही ढंग से तैयारी करें, वैज्ञानिक ढंग से तैयारी करें। और अब मैं लगातार अब से कुछ दिनों तक टीचर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही मटेरियल को यूट्यूब पर लोड करूंगा, SCERT बिहार टेक्स्ट बुक को मुख्य आधार बनाऊंगा। पिछली बार में मैंने NCERT के मैक्सिमम चीज़ों को बताया था, और इस बार बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ों को बताऊंगा, ताकि इससे आपको काफ़ी फायदा मिले। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं बैच भी स्टार्ट करूंगा, लगातार वीकली टेस्ट भी होगा जैसे कि पिछला बार हुआ, जिससे काफ़ी लाभ मिले बच्चों को। तो अगर आप चाहें, रुचि हो, आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर आगे उपस्थित होंगे, विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।